हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड्स लैब। मैं हूँ उमारावत और आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एक मैंगो की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। स्क्रीन पे जो आपको आम दिख रहे हैं इसका नाम है तोतापुरी और ये स्पेशली साउथ इंडिया में उगाया जाता है। इंडिया में इसके कई सारे नाम हैं, इसे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आज हम बनाएंगे इस आम से सभी का फेवरेट मसाला मैंगो और ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मसाला मैंगो चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर तोतापुरी आम लिए हैं। आप इसकी जगह कोई भी आम ले सकते हैं। तोतापुरी आम थोड़ा सा स्वाद में खट्टा और मीठा होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसकी चाट बनाना बहुत ही इजी होता है और ये टेस्टी भी बनती है। ये आम अधिकतर साउथ इंडिया में देखा होगा आप लोगों ने। जब भी आप बीच पे जाते होंगे अक्सर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस तरीके के आम की चाट रूट साइड पे मिलती है और वो लगभग 40 से 50 रुपए का एक कप मिलता है और वो एक फुल आम भी नहीं होता है। तो आज हम इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम मसालों में एक अच्छी सी चटपटी सी चाट तैयार करेंगे। आप इसे इसकी स्किन के साथ भी कट कर सकते हैं बट मैं इसकी स्किन निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इसकी सारी स्किन निकाल दी है और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है कैप इसका, ये भी हटा देंगे। तो हमने आम को छिलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके अपने मनपसंद आकार के टुकड़े करेंगे। आप इसे लंबे लेंथ वाइज भी कट कर सकते हैं और मैं इसके छोटे टुकड़े करूँगी और इस तरीके से आप इसे बहुत ही सावधानी से कट करें। आप इस आम से कई सारी डिशेस बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे इसका मीठा अचार या फिर इसकी लौंजी या फिर चटनी। काफ़ी सारी रेसिपीज़ इससे बनती हैं। आप इसकी चाट बनाकर खाएंगे तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग भी इसे सभी पसंद करेंगे। बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है। आप इसकी जगह कोई भी मीठा आम भी ले सकते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम इसके अब टुकड़े कट कर लेंगे, इसकी गुठली से इसके पल्प को अलग कर लेंगे और इसकी गुठली फेंक देंगे। उसके बाद हम इसकी चाट बनाकर तैयार करेंगे। तो हमारे ये टुकड़े तैयार हैं। अब हम इन टुकड़ों को एक बोल में शिफ्ट करेंगे। आप इनके टुकड़े देख सकते हैं, इस तरीके के क्यूब्स में मैंने कट किया है। आप इनको छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो इन्हें हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके मसाले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मसाले हम ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाले लगेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पर सिर्फ तीन मसाले लिए हैं। हमने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट लिया है, चाट मसाला लिया है जो कि स्वाद के अनुसार है तीनों चीज़ें, और रेड चिली फ्लेक्स। ये देखें, बहुत ही कम मात्रा में लेना है रेड चिली फ्लेक्स ताकि एक माइल्ड सा स्पाइसीनेस आए। तो अब हम इन मसालों को आम में मिक्स करेंगे। आम का बोल ले लिया है, अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे थोड़े से। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये चिली फ्लेक्स अवॉइड करें। अब हम ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे, ये आपके स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। और चाट मसाला, चाट मसाला लगभग आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। चाट मसाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस आम के चाट में, या आप अपने स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस चाट को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस, जो कि चिली और गार्लिक फ्लेवर में है। आप कोई सा भी टोमेटो सॉस ऐड कर सकते हैं बट चिली गार्लिक फ्लेवर वाला सॉस इसके अंदर बहुत ही अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे भी मिक्स कर देंगे। तो हमारी चाट बनकर लगभग रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है उतना ही ये टेस्ट में भी है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। गाइज, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चाट ज़रूर ट्राई की होगी और अगर नहीं ट्राई की है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ट्राई की है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपने इसे कैसे बनाया था, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इसे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। आई होप कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो लीजिए, तैयार है हमारी खट्टी मीठी चटपटी से स्पाइसी मैंगो चाट। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दें और शेयर करें इस वीडियो को। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप हमारी वीडियो देख सकें। गाइज, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट फूड्स लाइफ इंडिया पे।
आप हमें हमारे फेसबुक पेज फूड्स लैब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, मिलती हूँ किसी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।